जय श्री कृष्णा डेयरी एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे कि गाय का AI कैसे किया जाता है, या उसे जब हीट में आती है तो उसे गर्भधारण कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीमन को नाइट्रोजन सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। हमारे डॉक्टर साहब सीमन को नाइट्रोजन सिलेंडर से निकाल रहे हैं, उसके बाद एक गर्म गुनगुना पानी लिया जाता है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसे 30 सेकंड के लिए सीमन को उसमें डाल दिया जाता है, जिससे कि सीमन जो नाइट्रोजन सिलेंडर में रहता है वो उस समय निष्क्रिय रहता है, और 30 सेकंड डालने के बाद इसके जितने भी अणु होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देने की बात है कि कभी भी AI कराएं तो गर्म पानी में ज़रूर डालें। उसके बाद डॉक्टर साहब बड़ी सावधानी पूर्वक स्ट्रोक को गन में लोड किया जाता है। गन में अच्छी तरह से सीमन को लोड करने के बाद उसे कैंची के माध्यम से या सीमन कटर के माध्यम से काटा जाता है, और उसके बाद गन लोड किया जाता है पूरे ढंग से। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। डेयरी फार्मिंग में होने वाली सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। गन लोड करने के बाद हैंड में अच्छी तरह से ग्लव्स पहना जाता है। बहुत सारे जो सीमन लगाते हैं वह बिना ग्लव्स पहने ही गाय को सिमिनेट कर देते हैं। इससे बहुत नुकसान बात है, या गलत बात बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो गाय के अंदर जाने से उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी गाय का AI कराया जाए तो हाथ में ग्लव्स ज़रूर हो। गाय जब भी गर्म हो या हीट में हो तो कम से कम 12 घंटे के बाद और 24 घंटे के अंदर में उसे सीमन लगा देना है या क्रॉस करवा देना है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि 12 से 24 घंटे के अंदर गाय को सिमिनेट करवा देना है, और सिमिनेट जब भी करवाएं तो एक अच्छे और जिनका हाथ साफ हो इस क्षेत्र में उन्हीं से करवाएं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार हमारे गाय को सीमन लगा रहे हैं। इनका हाथ बहुत साफ है सीमन के क्षेत्र में, और हमारे डेयरी में अधिकतर बादशाह इन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं, सीमन से पैदा हुई है। सीमन लगाते समय कुछ बातों पर जरूर ध्यान देखें कि सीमन जब भी लगाएं वो एक अच्छे बुल का सीमन होना चाहिए, क्योंकि अच्छा बुल होगा तभी जाके आपका डेयरी का ग्रोथ आगे चल के दिखेगा। अन्यथा अच्छा बुल ना होने पर आपको सीमन से प्राप्त हुए बछी या बाछा को अच्छे समय तक पालना पड़ेगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी भी सीमन लगाएं तो एक अच्छे बुल का सीमन लगाएं। अच्छा सीमन में बनाने वाली कंपनी बहुत सारी हैं, जैसे आपका सैग है, ABS है और बायफ है। इन तीनों कंपनी अभी हमारे झारखंड में बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं सीमन का। सीमन जब भी खरीदे किसी ऑथराइज व्यक्ति से ही खरीदे, जहाँ तहाँ से ना ले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा डी कंपनी मौजूद हो गए हैं जो बड़े बड़े कंपनियों का डुप्लीकेट बना रहे हैं। कृपया कर डुप्लीकेट कंपनियों से बचें और अच्छा सीमन का यूज करें। इस गाय को सीमनेट हो गया है, सीमन लग गया है, अगर यह गाय सीमन कंसीव कर लेगी तो 21 दिन के अंदर में यह हीट पे नहीं आएगी, और अगर यह 21 दिन के हीट में आ गई तो इसका मतलब सीमन कंसीव नहीं किया, इसे फिर सीमन लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सीमन एक सेक्स सीमन है जिसका यूज इस गाय में किया जा रहा है।